राजस्थान बीकानेर में चोरों के हौसले इतने बुलंद है कि दिन दहाड़े चोरी की घटना को अंजाम देकर फरार हो जा रहे हैं। कुछ इसी तरह का मामला UIT कॉलोनी स्थित मकान का सामने आया। दरअसल मकान के बंद दरवाजे व अलमारी का ताला तोड़कर चोर महज कुछ मिनटों में जेवरात और लाखों की नकदी लेकर चंपत हो गए। मकान मालिक सुनीता ने बताया कि मैं अपनी मम्मी को ड्यूटी पर छोड़ने गई थी, जो होमगार्ड में जवान है। उन्हें छोड़कर महज 20 मिनट में घर वापस आई तो घर के मुख्य दरवाजे और 3 अलमारियों के ताले खुले मिले। पड़ोसियों की मदद से सामान चेक करने पर लगभग 1,67,000 रुपए नकद, 1 सोने की अंगूठी व चैन गायब मिला। घटना को लेकर नयाशहर थाना पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस मौके पर पहुंचकर मौका मुआयना किया, लेकिन अभी तक पुलिस को चोरों के कोई सुराग नहीं मिला है। निकले थे मम्मी को छोड़ने के लिए, मैं 5:30 बजे वापस आई, मतलब आधे घंटे के अंदर आई। जब देखा गेट सारी अलमारियां तीनों खुली पड़ी थी, फिर बालागा के लोगों को बुलाया तो पता चला कैश और ज्वेलरी सारी गायब है। कुत्ता था उसको अंदर बंद कर गए। किस प्रकार का लॉक वगैरह किया हुआ था? कोई लॉक नहीं किया हुआ था, बाहर का कुंटा लगाया हुआ था और अंदर से खुला ही था। हम ऐसे ही जाते हैं नॉर्मल जब भी जाते हैं। 10 मिनट के लिए गई हूँ MN हॉस्पिटल तक, जितने वापस आए इतने कुछ भी नहीं था। एक खिंडा पड़ा था पूरा घर से, गेट के बाहर कुंटा ही लगा के जाते हैं। हम डेली जाती हूँ मैं और आज भी लगा के जाना हुआ। और क्या चीज़ चोरी? 1,67,000 रुपये कैश था लमसम, और एक चैन थी, एक अंगूठी थी, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं था। और किसी पे कोई किस भी प्रकार कोई शक है क्या है? अब डेली जाते हैं, शक तो किस पे करें, मोहल्ले को तो कर नहीं सकते, किसी को क्या कहें बताइए। डेली जाना आना होता है, उससे किसी ने देखी कि अपने इसमें क्या कह सकते हैं। अपना नाम? मेरा नाम प्रीति।